नमस्कार, मेरा नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक। हाल ही में मैंने अपडेट दिया था काला पहाड़ जो बलात्कार के बाद मौत के घाट उतार दी थी। ये दर्दनाक घटना काला पहाड़ से आपके सामने लाया और उसी के साथ साथ सारे अपडेट आपके साथ में साझा किया। एक का बजे सारे अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुँचाने का मैंने कोशिश। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूँ और इस वक्त मैं डिगलीपुर क्षेत्र से, जो काला पहाड़ में जिस बच्ची का शव मिला था काला पहाड़ जंगल में, वही जंगल में वही अजय नाम का शख्स जो उसी जंगल में छुप रहे थे, पुलिस से बचने का कोशिश कर रहे थे, पुलिस उसे ढूंढ रहे थे। मैं फिर एक बार बता दूं, जो बच्ची की शव घर लेके जाते हैं और उसका क्रियाक्रम किया जाता और उसी का बाद 14 तारीख का बाद ही वो लड़का जो अजय फरार हो जाते हैं। तब तक पुलिस का साथ आना जाना, फैमिली से उठना बैठना कंटिन्यू होता था, पुलिस का शक अजय को पर ना जाए। और मैं बता दूं 16 तारीख का बड़ी ब्रेकिंग न्यूज 11 बजे के आसपास उत्तर का हवाले खबर मिला कि वो अजय जो जंगल में छुप रहे थे, भाग रहे थे पुलिस से, वो खुद सुइसाइड करके अपना जान दे दी उसी काला पहाड़ जंगल में। बच्ची के शव मिले थे वहीं से कुछ ही दूर में, वहीं से 300 मीटर की दूरी में उसी अजय नाम की शख्स का डेड बॉडी मिला, यानी सुइसाइड किया है, फांसी लगा के आत्महत्या कर दी, सुइसाइड किया, फांसी लगा के अपना जान दे दी। काला पहाड़ की ये बड़ी खबर। और उसी का बाद 16 तारीख का अपडेट देने जा रहा हूँ। ये 16 तारीख जो है उसका बॉडी मिले है और 16 तारीख रात के आसपास उस बॉडी को लेकर आता डिगलीपुर सीएससी में। इस वक्त जो है डिगलीपुर में पोस्टमार्टम चल रही है अजय का, जो सुइसाइड करके अपनी जान दे दी। बने रहिए न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान के साथ, फिर से हम जुड़ेंगे किसी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।